टीकमगढ़ जिला अस्पताल में दिनांक 31 मई को पार्वती कुशवाहा निवासी सदगुआ के नवजात बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। टीकमगढ़ पुलिस ने संयुक्त प्रयास कर 84 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद नवजात बच्चे को बरामद कर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि दिनांक 31 मई को पार्वती कुशवाहा 50 साल निवासी सतकुआ और नवजात बच्चे को अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली टीकमगढ़ में की थी। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा उक्त चोरी गए बच्चे की बरामदी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AML चौरसिया और SDOP टीकमगढ़ सुश्री प्रिया सिंधी को निर्देश दिए गए थे कि थाना प्रभारी कोतवाली वीरेंद्र सिंह पवार तत्काल बच्चे की बरामदगी करने हेतु आदेशित किया गया था। अस्पताल परिसर से लेकर शहर के एक एक CCTV फुटेज को खंगाला गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अस्पताल परिसर में एक पुरुष और उसके साथ मौजूद एक महिला जो काले रंग की साड़ी पहनी थी, बच्चे को थैले में रखकर मोटरसाइकिल से धज रही बलदेवगढ़ तरफ जा रहे हैं। महिला का पति जो बच्चे को उठाकर ले गया था उसमें शामिल था, उसकी तलाश पुलिस कर रही। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। निष्पक्ष रूप से की जा रही है और भी चीजें जो है महिला से पूछताछ जारी है, तो जैसे जैसे चीजें तथ्य सामने आएंगे तो रखा जाएगा। तो मैम उसमें अभी महिला भर्ती हुई है, अभी ये सारे उद्देश्य जो है महिला से पूछताछ या उसके परिजन से बुलाकर की जाएगी, उसमें कई चीजें सामने आएंगी। गत दिनों में 31/5/22 को जिला अस्पताल से एक माह के बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। फरियादी गोला कुशवाहा निवासी सतगवां जिले धौरा में पड़ता है ये। उस व्यक्ति ने आके बताया और थाना कोतवाली में इसी को लेकर अपराध कायम की गई थी और इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित करके बच्चे को ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। हमारी टेक्निकल सेल और साइबर सेल और थाना कोतवाली से जो टीम गठित हुई, उन्होंने CCTV फुटेज जो है शहर के हों और चौराहे नाकों को खोजबीन शुरू करी, तो देखा गया कि उसी घटना समय पर एक व्यक्ति और उसके साथ एक महिला दोनों ही एक थैले में कुछ लेकर घटना के समय में ही निकल रहे हैं वहाँ से, और पता किया गया कि वो धजरई होते हुए बलदेवगढ़ की तरफ रवाना हुए थे। वहाँ बलदेवगढ़ में देखा गया कि महिला जो है वो गाड़ी पर नहीं थी, केवल पुरुष ही था, तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि वो महिला जो है वो वहीं है। बलदेवगढ़ में मुखबिरी लगाई गई, जिससे पता चला कि वो महिला जो है वहीं जलगुवा बुढ़ेरा थाना में पड़ता है, वहीं की निवासी है। उसकी शादी नैघर नौगांव तरफ हुई है, वो महिला वहीं रही। मुखबिरी को मजबूत किया गया और पाया गया कि वो वहाँ पहुँच चुकी है, तो यहाँ से बलदेवगढ़ थाना प्रभारी बुढ़ेरा कोतवाली की टीमें जाकर नौगांव को भी थाना प्रभारी को सूचित किया गया और नौगांव पुलिस को भी शामिल किया गया। संयुक्त प्रयास से महिला के घर की घेराबंदी की गई और उसे दस्तयाब मैं बच्चे के कर लिया गया। मैं टीम द्वारा बच्चे और महिला को दोनों को लाया गया, बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करके और जिला अस्पताल को इसके संबंध में सूचना दी गई ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित यहाँ रखाया जा सके। कितने लोगों को महिला और पुरुष ही थे जो फुटेज में भी दिखे थे और उन्हें ही आरोपी बनाया गया। अभी पूछताछ की जा रही है महिला से, तो जैसे ही तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।